नमस्कार दोस्तों, दोस्तों परिवार पहचान पत्र पर आपको क्वालिफिकेशन चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपनी लॉगिन आईडी भर के और कैप्चा कोड आपने भरकर सीधा ही लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पर करेक्शन मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी फैमिली आईडी नंबर को टाइप कर देना है और जो गेट फैमिली आपने यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर टच कर देना है। यहाँ पर आप एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी भी आपने क्वालिफिकेशन को सही करना है। हमने यहाँ पर मेंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउनिंग करेंगे। डाउनिंग करने के बाद सबसे नीचे देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन न्यू आप यहाँ पर ऐड करेंगे, प्राइमरी है या फिर ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 10 या प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर को फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है दोस्तों, और यहाँ पर PDF फाइल को अपलोड करके आपने सीधा ही वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका OTP आ जाएगा। दोस्तों यही एक अपडेट थी, बहुत बड़ी अपडेट है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ हरियाणा से रिलेटेड डालते रहते हैं। तो सक्षम योजना में जो भी थे उनको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, अब इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों।